और हैप्पी बर्थडे लग चुका है। क्या देखे और Happy birthday to you. आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर से बोलना बाबू के लिए भी और मारिया के लिए भी। तो ये सारी चीजें मैं लेकर बैठी हूँ वॉल को डेकोरेट करने के लिए। ये सारी चीजें मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, ये कॉम्बो पैक है। और क्या क्या है इसके अंदर ये देखो, दो कर्टन दिया है ये जो मारिया के हाथ में है, इसे आप झालर भी बोलते हैं, कर्टन भी जो भी है। तो ये दिया है, दो है वॉल पे सजाने के लिए, ये देखो आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ। उसके बाद ये बैनर है, हैप्पी बर्थडे का बैनर है। और उसके बाद बलून है, ग्रे है कुछ बलून, कुछ ब्लैक है, कुछ येलो है। और उसके बाद फाइव इमोजी भी दिया है। तो इस बार ना हम लोग पिंक नहीं रखे, पिछले साल पिंक था सारा चीज, तो इस बार येलो एंड ब्लैक का रखे हैं। और बाबू देखे कितनी मेहनत कर रहा है। और इधर कैप नहीं था उसमें, ठीक है कैप अलग से लिया है, तो पिंक रखा है। मैंने कहा कुछ टचअप पिंक का होना चाहिए और लड़की का बर्थडे है तो। तो ये देखे बाबू की मेहनत आप गौर करें, पूरे टाइम बस मैं ये देखो पसीना पसीना हो चुका है लेकिन छोड़ नहीं रहा है, मैं करूंगा मैं करूंगा। तो हम लोग ने मिल करके ये देखे बलून शलून जो है मतलब फुला लिए हैं, और पंप से ही फुलाया क्योंकि मुंह से ना एकदम दर्द होने लगता है। चले जी डेकोरेट करते हैं साथ मिल करके। हाँ जी, तो एक वॉल पे लगाया एक कर्टन, और उसके बाद मारिया कहा कि मारिया तुम लगाओ ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बहुत बहुत सपोर्ट की जरूरत है आप लोग की। और यहाँ पे बैनर भी तैयार हो रहा है हैप्पी बर्थडे, ये देखो लग भी चुका, कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इसमें ना सारा बलून से जो है पूरा सजाएंगे। चलें बाहर चलते हैं, बलून का हाल देखते हैं। यहाँ पर बाबू अभी तक लगा हुआ है, एक ही बलून में इतना ज्यादा लगा रहता है, लग रहा है कितना काम कर रहा। खैर, और यहाँ पर मारिया के पापुश ने ईद मिलाद सईद या मारिया, यानी हैप्पी बर्थडे को अरबी में ईद मिलाद सईद बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया, बच्चों को स्पेशल फील कराना चाहिए, सुबह ही उठ करके उन्होंने लिख करके सोफे पे रख दिया था और बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, तो चले डेकोरेट करते फिर से बलून। तो यहाँ पर देखें ये सारा लगा दिया, तीन तीन का ऊपर दे दिया है। और ये देखो अभी दिखाते हैं, पूरा लुक दिखाते हैं, ये देखें आप लोग ढेर सारा कमेंट, अच्छा लग रहा है ना, सारा जरूर से कमेंट करना तो मुझे हौसला मिलेगा और बस मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ना आप लोग कमेंट करते हो और लाइक करते हो तो मुझे पता है और वीडियो बनाने का दिल करता है। चले जी बर्थडे गर्ल को कहते हैं तैयार शैयार होने के लिए। यहाँ पर देखें ये तैयार होने के लिए मैं बोली हूँ, और ये देखें ये चुटकी मिनट में तैयार हो गई, देखा ना मैजिक, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आप लोग जरूर से बोल दें। चलें जी अच्छा मैंने तो बताया ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, केक भी तो लाना है, सारी चीज तो आ गई, केक कहाँ आया। तो केक लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और लंच का भी टाइम है तो और भी कुछ लेते हैं। चलें आप लोग वहां चल के सारी चीज बताते हैं। चलें जी वहां पहुंचकर आपसे मिलते हैं। हाँ जी आ गए, देखे हम लो, बच्चे लोग का देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं ना। आप लोग जल्दी से माशाल्लाह लिखे, ठीक है कमेंट में भी बोले और ऐसे भी बोले। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए हैं डोमिनोज, यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करेंगे और उसके बाद केक लेने जाएंगे, तमीनी से केक भी लेंगे। तो यहाँ पर पंद्रह मिनट में हम लोग आते हैं, ऑर्डर दे दिया है। हाँ बैठ जाओ बैठ।
हम लोग केक लेंगे। और हम लोग आ गए हैं तमीमी सुपरमार्केट। यहाँ से हम लोगों ने केक लेना है और उसके बाद कैंडल लेनी है और देखिए क्या लेते हैं। चला अंदर आते ही बर्थडे गर्ल को स्पेशल फील कराया जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ फ्लावर्स के पापुश दे रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर देखे बाबू अपनी अप्पी को कैसे दे रहा है घुटनों के बल माशाल्लाह। और यहाँ पर बेकरी आइटम की तरफ हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर सारे बेकरी आइटम्स हैं, कुकीज हैं, पेस्ट्री हैं, केक हैं, पेन केक है, पेन केक नहीं है, कप केक है। और हर तरह के हर फ्लेवर के केक यहाँ पर आपको रखे मिलेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कौन सा लेना है। सब ज्यादा बर्थडे गर्ल से पूछ रहे हैं कि कौन सा तुम्हें पसंद है, तो उसने कहा कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। हम लोग को भी पसंद है तो चले जी ले लिया। उसके बाद यहाँ से उठाते हैं फैंटा। फैंटा बहुत दिन से नहीं पिया था, मतलब कोक वगैरह तो आप डिनर उनर पे पी ले, तो फैंटा लिया है, सोचा कि इस बार फैंटा पीते हैं। हाँ जी। और उसके बाद हम लोग ने इधर आ गए हैं कैंडल लेने के लिए हम लोग। और कैंडल भी ये देखे हैप्पी बर्थडे लिखी हुई कैंडल ले लिया है। अब चले केक, मतलब पसंद तो कर लिया था, अब लास्ट में लेते हैं ताकि मेल्ट ना हो केक। तो बस सारी चीज ले लिया, अब केक उठाते हैं और ये पैक करके अभी हम लोग को देंगे। ये ले लिया, अब चले जी कहाँ काउंटर पे चले, बिलिंग शिलिंग भी तो करानी है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग काउंटर पे और यहाँ पर हो रही है बिलिंग। अब हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज पिज्जा के लिए। 15 मिनट्स का टाइम दिया था, हम लोग फिर से आ गए। क्या बना है या नहीं, ये रखा केक चलो 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 जल्दी से ठंडा हो जाएगा। चले जी घर चल करके आपसे मिलते। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बाबू के लिए भी गिफ्ट्स लिया है, जैसे मारिया के लिए लिया है। तो मारिया जो है बाबू को अपने हाथों से देगी, तो रिएक्शन देख। क्या देखे, देखे ड्रोन देखे तो ओहो, मोहम्मद को इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। अब जो है केक वगैरह निकालते हैं। देखो बाबू को एकदम सुबह से जो है कैप लगा करके करके कि मेरा भी बर्थडे है। और हम लोग जो है ना ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ मारिया का है तो सिर्फ मारिया का है, बाबू का नहीं है, दोनों का है। तो हर चीज हम लोग दोनों का एक साथ ही, मतलब एक जैसा ही करते हैं। दोनों केक कट करो, दोनों जो है दोनों को गिफ्ट्स दो ताकि बच्चे ये ना फील करे, ठीक है। तो बाबू को गिफ्ट्स पहले ही दे दिया ताकि खुश हो जाए। और कैंडल लग गई है केक में। और उसके बाद यहाँ पर जो है बर्थडे गर्ल ये देखें, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारी आप लोग ने दुआएं देनी है बहुत ज्यादा मेरे दोनों बच्चों के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए आप लोग बहुत सारी दुआएं करना। मोहम्मद मोहम्मद को आप लोग करने दुआ करती हूँ। अल्लाह हम सबको खुश रखे, नेक बनाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद हम लोग जो है एक दूसरे को खिलाने लगे केक, ये देखें। और फिर जल्दी से पिज्जा खोलने लगे, मैंने कहा जल्दी से खोलो हम लोग खाते हैं, एक तो पिज्जा ठंडा भी हो जाएगा और दूसरे हम लोग भूखे भी बहुत हैं सुबह से, मतलब डेकोरेशन ये वो में लगे हुए हैं, खाने पीने का ख्याल नहीं। तो बस पिज्जा बहुत मजे का था। और ये देखें पापुश सबसे पहले मारिया को खिला रहे हैं और इसके बाद मैं भी आगे बढ़ी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने कहा कि पहले हम खा लेते हैं। अब हो गया केक कट वट सब हो गया है तो जल्दी से खाते, बहुत मजे का पिज्जा है सच में, मजा आ गया खा करके। तो यहाँ पर देखे बस बर्थडे गर्ल भी खा रही है, सब लोग खा रहे हैं।
और बाबू को ना बाद में बाबू जो है आया और सब एक दूसरे को केक भी लगाने लगे। ये देखे बाबू को नहीं लगाया था तो बाबू को सब लगा रहे हैं केक। ये भागा बाबू। और आप लोग ना बहुत सारा कमेंट करना कैसा लगा, हम लोग ने कैसा डेकोरेट किया और कैसा सब कुछ कैसा लगा, जरूर से बताना तब मुझे अच्छा लगेगा। और गर्मी बहुत शदीदों की है तो थोड़ा गले को ठंडक पहुंचाते हैं, चले कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। और पता है पिज्जा इतना मजे का है कि हाथ रुक नहीं रहा है, केक को तो किसी ने टच तक नहीं किया, सच्ची बता रहे आप देख रहे हो। और बस हम लोग पिज्जा 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 करे जा रहे हैं, बहुत मजे का पिज्जा है सच्ची में। केक तो बस जो केक कट के वक्त थोड़ा बहुत बस सबको एक दूसरे को खिलाया बस, बाकी तो क्या बताएं, बहुत मजे का पिज्जा। बस हम लोग खाते हैं पीते हैं, बहुत मजा आया। और हम लोग डिनर करने के लिए भी जाएंगे तो आगे व्लॉग आएगा उसका। और ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और ढेर सारा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ज्यादा प्यार करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।